औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलाम उन दोस्तों को जो दियारे गैर में बैठे जनाब हमारे पाकिस्तान के शो को दुबाला किए हुए हैं। सलाम उन दोस्तों को जो पाकिस्तान में रह के हमारे शो को कबूतर परवरी को चार चांद लगाते हैं। और जनाब मैं इस वक्त लाइव हूँ जनाब ज़िला गुजरांवाला से उस्ताद सोनी की छत से। माशाल्लाह अपने इलाकाई चैम्पियन रहे हैं ये, तो इनके कबूतरों का आपको अभी शो करवाते हैं। और मेरे साथ असलान भाई हैं, वो आपको तफसीलन शो करवाएंगे। इनका सेटअप अभी तैयार हो रहा है, तो बाकी भी जब इनकी छत का इफ्तिताह होगा तो इंशाल्लाह फिर भी आपको दिखाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। सब भाई हो, क्या हाल चाल है? क्लियर है भाई जी। दोस्तों माशाल्लाह अरसलान भाई हैं, ये भी अपने इलाका चैंपियन हैं, तो इनकी मेहनत से इस छत को चार चांद लगते हैं। इन्होंने सेटअप दोबारा तैयार किया, अभी हो रहा है, तो चंद परिंदे इन्होंने शो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इनके, जो बाजियों में उड़ते रहे हैं, इनको चैंपियन बनाया। अब छत इन्होंने शिफ्ट की है, तो अरसलान भाई को कहूँगा मैं शो कराए मुझे। जी अरसलान भाई, कबूतरों का शो करवाएं ज़रा दोस्तों को। जी जी वालेकुम सलाम जी सुल्तान भाई, शुक्रिया माशाल्लाह जी। कबूतर पर पटाई किए हुए हैं दोस्तों, पर नहीं दिखा सकूंगा दूसरे कबूतरों को जो इनके बाजी वाले कबूतर हैं। ये पहले आपको बता दूं मैं, ये माशाल्लाह शौक करें जी। माशाल्लाह जी ये नया लैस हुआ है, पहले बच्चा था जी, ये भी नया लैस हुआ। अच्छा सलमान भाई, ये घर का बच्चा है? जी माशाल्लाह। इसकी प्रोग्रेस क्या रही है? ये अच्छा दिया है इसने रिजल्ट? हाँ रिजल्ट अच्छा दिया है, लेकिन अभी ये साफ हुआ था का अच्छा करके, तो इंशाल्लाह ताला अभी मजीद डेट में अच्छा रिजल्ट देगा। देखना अभी इसका बाहर करनी भी बिल्कुल कच्ची है अभी, ठीक हो बाहर निकल रही है आपके सामने। ये इसके पंजे हैं, माशाल्लाह अच्छा रहा है जी। सलाम भाई और कबूतर का शौक करवाएं जरा जी। वाह ये भाई की कनी कनी अभी इसकी निकल रही है, ना नवी कनी है ना, ये भी धागा साफ हो गया जी। दोस्तों बताता चलो, अरसलान भाई ये दोबारा सेटअप तैयार किया है इन्होंने, तो नए परिंदे छोड़ रहे हैं, अपने इलाका चैंपियन है ये माशाल्लाह जी। जी दोस्त इसकी आंख का शौक करें जरा, ये भी घर का ही बच्चा जी। है ये काले मुंह वाले हैं उनमें से। अच्छा काले मुंह वालों में से जी। ये भी अच्छी परवाजें दी हैं इसने। अच्छा अभी ये साफ हुआ है, 10 कली इसने साफ किया है, इंशाल्लाह ताला आएगा काम, रिजल्ट अच्छा देगा इंशाल्लाह ताला। जी दोस्तों जो मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उनसे इल्तमास है जनाब वो मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त अहबाब भी ये शौक देख सकें। शहर गुजरांवाला से लाइव हूँ मैं जी, जी है। लाल हवेली छत है ये देखें, ये कबूतर पर पटाई में आए हुए हैं, शौक करवा रहे हैं फिर भी, क्योंकि आपको पता है सबको इन दिनों पर पटाई हुई हुई है कबूतरों की माशाल्लाह जी। ये देख सकते हैं पर पटाई हुई हुई है और फिर भी पर शानदार है माशाल्लाह।
शौक करें इसकी आँख का भी। ये मोतियाँ वाले हैं उनमें से है। सही। अच्छा अरसलान भाई, जो कबूतर आपका उड़ा हो उसकी आप खुद ही प्रोग्रेस बता दीजिएगा कि ये परवाज क्या रही है इसकी, गर्मी में या असूज में। ठीक है, वो दूसरी तरफ है कबूतर, ये तो अभी साफ हो रहे हैं, बच्चे थे ना पहले। अच्छा, ये बच्चे छोड़े हुए थे। बच्चे छोड़े हुए तो उन्होंने साफ हुए हैं, तो आपके सामने माशाल्लाह ये मोतियों वाले हैं उनमें से। ये देखें, ये मादी है, अभी इसकी हालत देख रहे हैं जी। ठीक है, नज़र आ रहा, मैंने बता दिया दोस्तों के पर पटाई हुई है, फिर भी शौक करवा रहे हैं आपको। हालांकि इन हालात में कबूतरों को पकड़ना भी गुनाह ही समझ लें। ये मादी में बहुत ज़्यादा उड़ी हुई है। अच्छा जी, साथ में तकरीबन पिछले टाइमों में बैठी रहती है बैसाख की। अच्छा, ये भी घर की बैठी है। हाँ जी, ये भी उनमें से, ये पहले मोतियों वालों में से। हाँ, ये पहले की है ना। अच्छा, ये बड़ी हो चुकी है, लेकिन वो अभी पहले धागा साफ कर रही है। सही। ये पहले की है, ये बड़ी जवान हो चुकी है, क्योंकि 2-3 साल हो चले हो गए मुझे, मेरे पास है। सही। ये जी बच्चे का शौक करें जो इन्होंने छोड़े हुए नए। ये घर क्या? सही, बहुत ज़्यादा सयाना। इसका बड़ा भाई है जो इसे, वो 2-3 दिन हो गए छोड़ा हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, इतने सयाने हैं जिसका हिसाब नहीं है जी। दोस्तों ये माशाल्लाह शौक करें, अरसलान भाई बता रहे हैं कि ये अकल में बेमिसाल हैं। ये परिंदे जो दिखा रहे हैं ना आपको, ये बच्चे पहले ये क्रीच में आ गए हैं, मिस्त्री लगे हुए थे आपके सामने जी। बिल्कुल, मैंने देखा है, अभी छत तैयार हो रही है, सारा काम हो तो रहा है, उसकी वजह से ना ये सारे परिंदे जो हैं मेरे क्रीच में आ गए हैं। ये गुलाबी करी वाले बच्चे मशहूर हैं मेरे। सही। जी अरसलान भाई, ये भी घर गई है जी। ये किन परिंदों में से बना हुआ है? ये जीरो में से। जीरो में से जी, दबाव जो होते हैं ना। सही। उनमें से ये देखें, हालत देख लें, ये इसके पाँव हैं। जी दोस्तों, दोबारा आँख का शौक करें। माशाल्लाह जी, बेमिसाल। ये माधवी मेरे घर की है जी, तकरीबन तीसरे दिन ये रह जाती है। अच्छा अरसलान भाई, इसकी आंख ज़रा सुरख है, क्योंकि बहुत से दोस्त कहते हैं कि जी जिनकी आंख थोड़ी सी सुरख हो जाए वो घर नहीं आते। मैं कहता हूँ ये जेठ आ रहा है ना, जिसका दिल करता है आगे देख रहे, तीसरे अपने हाथ से बाहर निकाल ले, तीसरे दिन ये रात रह के ना आए तो मैं अपने ये भूतों भाई छोड़ दूँगा। सही हो गया, तीसरे दिन अल्लाह के हुक्म से। ये दोस्तों देखें, इसका शौक करें, पर पटाई में आई हुई है, नहीं तो पर भी आपको दिखाते। अरसलान भाई बता रहे हैं ये तीसरी फड़क में रात रह जाती है, ये गर्मी में टेम्परेचर में। मेरे मोहल्ले से जिससे मर्जी पूछ ले, तीसरे दिन ये रात रह जाती है। पहले दिन इसने ऐसे फिर घूमना इधर उधर उधर, दूसरे दिन इसने सामान में चले जाना, तीसरे दिन इसने नज़र आगे रात रह जाना, सामने आके रात रह जाना माशाल्लाह। अगले दिन फिर आ भी जाती है, 5-7 दफ़ा ऐसा हुआ, एक दफ़ा भी नहीं, 5-7 दफ़ा ऐसा हुआ। अगर कोई नहीं मानता तो आगे जेठ आ रहा है तो आगे देख ले इंशाल्लाह ताला जी। माशाल्लाह जी, ये दोस्तों शौक करें इसका, आंख में इसके देखेंगे आप,
काफ़ी ज़्यादा लाल आँख है और ये गर्मी में टेम्परेचर में रात रह जाती है ये मादी। ये देखो माशाल्लाह जी, ये भी उनमें सही है। अच्छा, ये उसी ब्रीड में से, वो घर की पट्टी है। हाँ, घर की है वो, भाई इमरान के हैं। मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई है जी जी, उसके उसने जोड़े रखे हुए हैं। उनमें से मैं बच्चे लेकर आया था, उनमें से बने हैं ये भी और वो भी। अच्छा, इसकी क्या प्रोग्रेस रही है? ये भी ये शाम के बाद बैठती रही है। सही हो गया। बाजियों में वो उड़ी है, ये उड़ी? बाजियों में ये दोनों नहीं उड़ी। अच्छा, बाजियों में ये दोनों नहीं उड़ी है। ये भी दो तीन दफ़ा ये रात रह गई है। अच्छा, ये देखें इसके पास, दो तीन दफ़ा ये भी रात रह गई है। वो पाँच सात दफ़ा रह गया, ये दो तीन दफ़ा रह गया। माशाल्लाह, मेरी बाजी जो लगती है वो 11 दिन की लगती है। अच्छा, 11 दिन की बाजी? हाँ, 11 दिन की होती है, लेकिन उसमें कबूतर नहीं डालते, फिक्स कबूतर होते हैं। फिक्स कबूतरों की बाजी होती है, तो उसमें से इसलिए नहीं डालते कि रात रह जाए तो फायदा नहीं है। फायदा नहीं है, सही हो गया। 11 दिन नया कबूतर नहीं डाल सकते, कबूतर नहीं डाल सकते, इसलिए ये दोनों नहीं मैंने डाली। वो फिर बड़ी अकल से चुनाव करना पड़ता कबूतरों का। ये मेरा दोस्त है हाजी साहब, ये आपके पीछे खड़े हुए हैं, इनकी मादी है ये बहुत ज़्यादा उड़ी है इधर। जब उनके पास थी उधर भी बहुत ज़्यादा उड़ी है, ये मेरे पास आई है इधर भी बहुत ज़्यादा उड़ी है। अच्छा, ये दो छतों पे उड़ चुकी है? दो छतों पे उड़ चुकी है। माशाल्लाह जी, क्या बात है जी। एक दफ़ा नहीं उधर गई है, एक दफ़ा नहीं उधर गई। क्या बात है जी। जी दोस्तों, शौक करें, ये भी लाल आँख में है। ये अरसलान भाई के दोस्त हैं हाजी साहब, अभी उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। हाजी नवाज साहब? हाजी नवाज साहब हैं जी, ये उनके घर की है। उधर भी उनके घर भी बहुत ज़्यादा उड़ी हुई है। 3-4 बजे के बाद की प्रवाद है इसकी, 3-4 बजे की बात। हाँ, इधर भी इसकी इतनी हुई है। माशाल्लाह जी, ये देखें, ये पंजे हैं, देखने कैसे खुशक पंजे हैं। ये देखें, करीबी उनके नंबर की पड़ी हुई है। अच्छा, जैसे लेकर आया वैसे ही छोड़ी हुई है, ये नहीं मैंने करीबी अपने नंबर की डाली हुई है। सही, ये देख लें, करीबी उनके नंबर की डाली हुई है। जी दोस्तों, शौक करें, लाल आंख में है ये। ये बच्चा, ये आगे जो मोतियों वाले आपने देखे उनमें से है। अच्छा, जो पहले मोतियों वाले दिखाए दो उनमें से। जी दोस्तों, ये पार का शौक करें, ये मोतियों वाले की इनकी ब्रीड है, मोतियों वाले। ये शौक करें पार का जी, क्योंकि उनकी तो पर पटाई हुई हुई है। नहीं लेगा छोड़े, इंशाल्लाह बच्चों का भी खेलेंगे, चेतर खेलेंगे इंशाल्लाह। बच्चे छोड़ दें आपके सामने, ये देखें माशाल्लाह, ये आगा इसके। ये पर पटाई में है जी, जी अरसलान भाई इसके बारे में बताएं जरा मुझे। ये भी तीन के लिए थी पट्टी जो। नहीं, घर की है ये? हाँ, ये भी घर की है। अच्छा, ये किन कबूतरों में से बनी हुई? ये लाल कबूतरों में से, सुरखे कबूतरों में जो है ना, ननकाना साहब वाले जी जी, उनमें से बनी हुई है जी। बिल्कुल ठीक हो गया जी, ये देखें सफेद कांटों वाले।
अच्छा, इसका भी माँ बाप पास ही है? जी पास ही। जी दोस्तों, पर पटाई हुई भी है कबूतरों की, पर तो नहीं है आपको दिखा सकता मगर आँख का शौक करवा दूंगा। जल्दी जब इफ्तिताह होगा ना फिर मजा आएगा शौक का भी। जी बिल्कुल, अभी नए परिंदे छोड़ रहे हैं छत जो शिफ्ट की है अरसलान भाई ने। ये भी मेरा जी साहब वाला पानी वाली कुंडी चुकी है। ले जी माशाल्लाह गोल्डन कबूतर का शौक करें। ये भी आज साहब वाला है, ये बंद कर दरवाजा। ये भी उधर शाम शाम खिला, बहुत ज़्यादा परवाज दी है इसने उधर। अच्छा, ये हाजी साहब वाला है, इधर भी बहुत ज़्यादा दी है। ये देखें, ये करीबी उनके नंबर की पड़ी हुई है। सही देख रहे हैं, ये देखें। ये मेरा एक कबूतर था मैला जी जी, उसके साथ इसका मुकाबला होता था। अच्छा अरसलान भाई, मुझे वो बताते जाइएगा जो कबूतर जिधर जिनकी वजह से आप चैंपियन बने हैं वो भी मुझे गिना दीजिएगा, वो भी बता दीजिएगा ताकि दोस्तों को बता सकूं वादिया। ये मेरा कबूतर था मैला, ये उसके साथ इसका मुकाबला होता था। सही, दोनों ही शाम 5 बजे के बाद निकलते थे। 5 बजे के बाद? 5 बजे के बाद निकलते। माशाल्लाह, ये घर बैठ जाता था वो रहा रह जाता था, नजर आ कर रह जाता था। एक दिन ये बैठ गया ऊपर से, एक मेरी मादी आई है वो बैठी है, उसने मादी को देख उल्टे घेरे लिए उस्मान चला गया। सही, अजाने हो रही हैं नहीं आया दोबारा। वो मेरा कबूतर जो था ना वो भी इसी तरह का था, गोल्डन था कबूतर सेम। इसको छुपा लें और उसको निकाल लें, सही ऐसा लगता, पहचाना ही नहीं जाता था। जी अरसलान भाई, बाकी वैल्यू उसकी होती है जो घर आ जाए। जी बिल्कुल, इसकी वैल्यू है मानते हैं, जैसे हमारे हाजी साहब नारा है, ये कबूतर भी उनके वैसे नारा है। माशाल्लाह जी, बहुत ज़्यादा वफादार कबूतर है। एक ये कबूतर है माशाल्लाह, ये भी गोल्डन है। जी गोल्डन है, जो बाजी में डाला था। अच्छा, इसकी वजह से चैंपियन हो। जी दोस्तों शौक करें ज़रा, ये गोल्डन कबूतर है। जी सुल्तान भाई, ये कितने कितने बजे बैठता रहा है बाजी में, क्योंकि 11 दिन की आपकी बाजी होती है। ये 11 दिन में आपको पता है कबूतर बस हो जाते होते हैं। जी मेन बात होती है कबूतर पूरे करने। बिल्कुल, ये 12 बजे के बाद इसको बैठाया। मेरी साल 11 दिन की बाजी थी और 5 दिन पहले मुझे उन्होंने बाजी दे दी थी। माशाल्लाह, 5 दिन पहले 6 दिन मेरे कबूतर उड़े हैं, आगे 6 दिन उन्होंने बाजी नहीं मेरे साथ उड़ाई, बस हो गई थी उन्होंने। ये 12 बजे के बाद बैठता रहा जी टेम्परेचर में। जी अगर कबूतर फिक्स ना होते तो फिर चाहे इसको लंबा ले जाते। मेन बात ये थी, नया कबूतर भी डाल सकते थे ना। जी दोस्तों, कबूतर कम हो जाए तो कबूतर भी डाल सकते, और उसमें बड़ी समझदारी से मुकाबला करना पड़ता है क्योंकि बड़े बड़े उस्ताद फिर रह जाते हैं। अगर कबूतर नया डालना होता तो ये आपके सामने है, जितनी मर्जी परवाज ले लें इसके। वैसे ये शाम की जान हनेरे में बैठता रहा। ये राणा मुन्ना साहब है, उनके पास भी है, वो कहते हैं लाल बुलिया वाले। सही हो गया ये, लेकिन ये लाल बुलिया वाला नहीं है मेरे पास, वैसे गोल्डन है। सही, अक्सर वो बोलते हैं ना लाल बुलिया। जी जी, लाल बुलिया वाले ब्रीड बनाई हुई है जी, लाल बुलिया वाले सेम वैसी है, लेकिन ये बहुत अच्छा मेरा कबूतर है। ठीक हो गया, ये कबूतर है।
माशाल्लाह जी, ये भी लाल आंख में है कबूतर जी, ये भी बाजी में उड़ा हुआ है जी। जी दोस्तों शौक करवा रहा हूँ आपको, जो बाजी में उड़ा हुआ कबूतर है ये भी, और लाल आंख में और जेठ की बाजियों में उड़ा हुआ है जी। ये देखें, ये देखें पुटाई में आए हुए हैं जी। मैं दोस्तों को सुल्तान भाई पहले बता चुका हूँ, ये देखें ये सात जजी वाला कबूतर है माशाल्लाह। चेक करें जी, उस्ताद जजी वाला कबूतर है जी, मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है। ये देखें जी दोस्तों, ये भी पर पटाई में कबूतर है इनका, सेटअप न्यू अब तैयार किया है इन्होंने, तो बच्चे भी छोड़ रहे हैं शौक के लिए, मिस्त्री भी लगे हुए हैं अभी, छत कंप्लीट तैयार नहीं हुई इनकी जी। दोस्तों ये भी इन खाने वालों में से कबूतर, लाखा कबूतर है जी। शुक्रिया उन दोस्तों का जो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जनाब, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। टैडी कबूतर है जी दोस्तों, शौक करें जी, टैडी कबूतर इनका जी, पर है डोरे में, जिस तरह के चौधरी सखी साहब कहते हैं जी, कुछ कबूतर डोरे में निकलते हैं, कुछ वाइट आंख में निकलते हैं। अच्छा ये भी उड़ा हुआ है जी, ये भी उड़ा हुआ, ये भी दो तीन की रेंज में रहा टेम्परेचर में। हाँ टेम्परेचर में, इस साल जो गुजरा उसको आपको पता है वसाह में जेठ से ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, गर्मी पड़ी थी बिल्कुल जी, ऐसा ही है। जी ले जी, मेरी फेवरेट आंख है जी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी अरसान भाई, ये भी बाजी में उड़ा हुआ है? नहीं ये बाजी में नहीं उड़ा, वैसे उड़ा हुआ है, वैसे उड़ा हुआ, ठीक हो गया, लेकिन उड़ा भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। कितना टाइम करता रहा ये? काफ़ी टाइम करता रहा, लेकिन इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। सही पट्ठा था ना उस वक्त, सात आठ कली का हो चुका था, इसलिए काम नहीं आया, इस साल आएगा इंशाल्लाह ताला काम। सही देखो जी, ये कबूतर है मेरा टैडी, डिंगी चूंज वाला, टेढ़ी चूंज वाला जिसे बोलते हैं, लेकिन है नहीं टैडी, लेकिन बंदों ने नाम टैडी रख दिया हुआ जी। दोस्तों ये कबूतर का नाम टैडी डाला हुआ है इन्होंने, कबूतर लाल आंख में, हल्की लाल आंख में।
ये 5:35 पर बैठता था बाजी में जी। माशाल्लाह वसाख की जेठ की नहीं वसाख अच्छा, की बाजी में। वसाख की बाजी जी। मौसम कोई भी हो परवाज मैंने रखती है चाहे वो ये देखना असू की हो तो। लेकिन आपको पता है वसाख में ज्यादा गर्मी पड़ी थी जेठ से जी जी। जेठ में तो बारिश भी होती रहती थी कभी ये जेठ में जिस दिन लास्ट वाले दिन जिस दिन उन्होंने बाजी दी थी ना ये इतना ज्यादा इधर तूफान आया था जिसका हिसाब नहीं है। ये कबूतर का हौसला ये गाढ़ा आ गया इस तरफ मुंह करे ना ये सब्जा आपको नजर आ रहा है जी जी बिल्कुल ये इससे भी पीछे चला जाता था ऐसे ये छत है ऐसे लोगों की छत से होके गुजर के घर आता रहा। अच्छा इतनी ज्यादा जो बारिश और तूफान था ना उसमें घर आता रहा ये टैडी टैडी कुतल है नहीं टैडी लेकिन नाम नहीं इसका टैडी डाला हुआ है। ये पंजे हैं इसके जी दोस्तों पर्व टाइम में कबूतर हैं माशाल्लाह अच्छे कबूतर हैं। ये अरसलान भाई इन कबूतरों से अपना इलाका ही चैंपियन हुए हैं। माशाल्लाह ये भी शौक करें कबूतर ये भी आई साहब वाला कबूतर ये भी अरसलान भाई के दोस्त हैं आज साहब उनके घर का ये कबूतर है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी खुश्क पंजों में आपके सामने परों का शौक नहीं हो सकता क्या करें वो जी बिल्कुल अरसलान भाई मैंने बता दिया है कि परों का शौक नहीं हो सकता कबूतर की आंख का शौक होगा। बाकी कबूतर की आंख से नस्ल का पता चल जाता है अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितनी की उड़ान का मालिक है। जी दोस्तों शुक्र है इसका भी माशाल्लाह हल्का लाल डोरा जी। अरसलान भाई साथ साथ बताते जाएं ये भी कबूतर उड़ा मेरे पास लेकिन ये बाजी में नहीं डाला परवाज बता दे बाजी में जरूरी नहीं है कि परवाज इसकी 2 बजे के बाद की है। माशाल्लाह आपको अंदाजा हो ही गया होगा कितनी बर्बाद है। ये देखे ना ये परों अभी पार निकले नहीं है निकलते तो पार का शौक होना जी बिल्कुल पर से भी बर्बाद है पर से भी शौक का एक तो मजा आ जाता है जब पर देखते हैं दोस्त। बाकी आंख भी बड़ी चीज है जी सारा कुछ आंख में होता है क्योंकि ब्लड लाइन जो है आंख से शुरू होती है। ये मेरा छोटा चीना कबूतर है माशाल्लाह जी। ये थोड़ा बीमार हो गया था इसलिए इसे पटाई नहीं इसकी की 2-3 दिन में इसकी पटाई हो जाएगी। इसके पर का शौक है जी दोस्तों माशाल्लाह देख सकते हैं पर ये ऊपर से लापरे हुए हैं अभी पर पटाई नहीं की इसकी ये थोड़ा कमज़ोर हो गया था ये लापरे हुए पर इसके इसकी भी बहुत ज़्यादा परवाह गई है माशाल्लाह लगातार इसकी बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है। ये पंजे देख रहे हैं इसके माशाल्लाह जी देखें जी पंजे देखें इसके जामनी और खुश्क पंजे हैं इसके
ये आँख का शौक करें। जी सुनो भी बिल्कुल नज़र आ रहा है, क्या बात है जी, कबूतर का शौक करें जी, शौक करने वाला कबूतर है ज़रा। ये पिछले बसाख में बचा था, पहले बसाख बसाख जो पहली फटते हैं ना उसमें ये पांच पर का था, तो इसकी परवाज़ें इतनी है यकीन करें क्या आपको बताएं, और इंतहा का सियाना है, इंतहा का सियाना, सियान बहुत ज़्यादा है इसमें। और जब बच्चा था इसकी परवाज़ पाँच बजे के बाद की है, माशाल्लाह पाँच बजे के बाद की इसकी परवाज़ है। ये कबूतर की अभी इसने धागा साफ किया है और आगे पटाई आ गई है जेठ की, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। अच्छा अरसलान भैया की छत आपकी नहीं है, शौक होगा इधर से अभी इंशाल्लाह होगा, अल्लाह का नया सेटअप चल रहा है सारा कुछ आपका, अल्लाह के हुक्म से होगा। ये दो या तीन दिन हुए हैं ये मिस्त्री नीचे गए हुए हैं, ये तो पहले इधर ही लगे हुए थे मिस्त्री, ऊपर छत पे लगे हुए, हाँ छत पे लगे हुए थे, आपके सामने कम्प्लीट भी नहीं हुई अभी हुई। ये देखें इसके पंजे, ये मेन कबूतर है छत का माशाल्लाह जी, इस बार इंशाल्लाह अल्लाह नदरे पास से बचाए, आमीन। माशाल्लाह जी दोस्तों शौक करें। जी दोस्तों शो करें, यह भी कबूतर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आंख है इसकी, ब्राइटनेस भी इसकी आंख की, इसका नाम है आसफ। अच्छा जी आसफ इसका नाम है, गुस्सा कर जाता है ना, हमारे पास एक आसफ है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, इसका आसफ नाम क्यों डाला हुआ है ये गुस्सा कर जाता है, कबूतर देखता है ना मेरे साथ लगा है, उसको छोड़कर ऐसे बुलंदियाँ छूता है जैसे पता नहीं स्वाब का काम है, इतना गुस्सा करता है। माशाल्लाह जी दोस्तों शौक करें कबूतर का, इसको आसफ कह लें या हिटलर कह लें माशाल्लाह जी सब। असलान भाई ये कबूतर बेसिकली सलारा है ना जी, सलारा है, इनको पर पटाई की हुई है जी, पर तो है ही नहीं आपके सामने, बिल्कुल ये थोड़े दिन हुए हैं, वो भी मुझे रंगत से नजर आ रहा है कि सलारा कबूतर है, हाँ सलारा है बिल्कुल सलारा।
माशाल्लाह जी, ये भी लाल आँख में है। तकरीबन ज़्यादा कबूतर जो देखे हैं वो लाल आँख में ही हैं, और 11 दिन की बाजी उड़ाते हैं। कहते हैं कि परवाज भी अच्छी होती है, और दोस्त वगैरह कहते हैं जनाब लाल आँख में वापसी नहीं इतनी होती। तो ये 11 दिन की बाजी होती है, और कबूतर कम हो जाए तो उसमें आप डाल नहीं सकते, इनकी बाजी इस तरह की होती है। ये 2:30 बजे तक बैठा है बाजी में, बाजी में गर्मी में, यानी कि 11 दिन की बाजी में। 11 दिन की बाजी में, इसको कहते हैं नीमी नीमी वाला। सही, ये इसमें 10 बजे तक ऐसे फिर घूमते रहना, इधर नीचे 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 नीचे, उसके बाद इसने सामान में चला जाना, जब पानी खत्म होना है ना तो सामान में चला जाना। 2:30 बजे तक घूमना इधर। माशाल्लाह, ये उस गोल्डन का भाई है। अरे जो गोल्डन पहले दिखाया, जो पहले दिखाया ना, ये उसका भाई है। जी निशान भाई शुक्रिया। ये नीमी नीमी वाला पट्टा है। माशाल्लाह जी, ले जी ये भी एक नायाब ही है, नायाब परिंदा जी, थोड़ा डिफरेंट है। माशाल्लाह जी। जी दोस्तों, कबूतरों की आपको बताया, पर पटाई हुई हुई है। बाकी ये है कि कबूतर सारे एक से एक बढ़कर है, और 11 दिन की बाजी उड़ाते हैं ये, जिसमें कबूतर कम हो जाए तो डाल नहीं सकते। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। जी दोस्तों, चीना कबूतर है ये जी। असलान भाई, इसके बारे में बताएंगे ज़रा। हाँ, ये भी माशाल्लाह परवाज़ इसकी अच्छी रही है, रेट में 200 के ऊपर ही रही है। बाजी में या वैसे? नहीं, बाजी पड़कों में। हाँ, बाजी पड़कों में तो लंबी भी ले जाते हैं, लेकिन बाजी में जो 12 से ऊपर ही रही है इसकी परवाज़। सही, असल वजह आपको बताई है ना, नया कबूतर नहीं डाल सकते। अगर नया कबूतर डालना हो तो फिर मसला नहीं होता, पता होता है अगले दिन इसकी जगह कोई और नया भी डाल सकते हैं। इसलिए कोशिश यही होती है घर बैठ जाए, चाहे 10 बजे के बाद बैठ जाए, लेकिन बैठे घर। और कोई मसला नहीं है। ये देखें, बड़ा चीना है मेरा, ये बहुत लंबा फिरता है। जी दोस्तों, ये भी शौक करें, मेरा परिंदा शौक वाला। ये भी, ये बदमाश कबूतर है माशाल्लाह, ये भी बहुत ज़्यादा जिद करता है कबूतर के साथ। सही, कबूतरों को देखा नहीं और सामान में गया है। माशाल्लाह जी, वैसे ये बैठता रहा अजाम टाइम, बैठता रहा अजाम। कौन सी? मगरब, मगरब की, मगरब की। तो लेकिन बाजी में मेन वजह आपको बताई हुई है, कबूतर पूरे करने पूरे होते हैं। करने होते हैं, इसलिए कोशिश यही होती है कि 12 बजे के बाद बैठ जाएं, चाहे सारे बैठ जाएं, एकदम बैठ जाएं, लेकिन बैठे पूरे घर। ये देखें,
वैसे माशाल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा परवाज है, लेकिन बाजी के दौरान इससे लम्बी परवाज नहीं ली है। सही हो गया, बिल्कुल लम्बी परवाज जो कबूतर डाले थे बाजी में उनसे बिल्कुल लम्बी परवाजें नहीं ली है। अपने टाइम से नॉर्मल टाइम से जब उनका दिल करे आकर बैठ जाए, इस हिसाब से छोड़ रहे थे हम। उसकी वजह आपको बताई हुई है कि नया कबूतर नहीं डाल सकते थे, और कोई वजह नहीं है, वरना ये कबूतर तो परवाज ही नहीं चला था। अल्लाह के कमरे इनमें है बहुत ज़्यादा, देख रहे पंडे इसके, देख रहे माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये भी मोतियों वाला इनका बच्चा जी, लापरा हुआ, छः गली का हो गया। आपको पता है टाइम काम तो इसने देना नहीं है। नहीं, बच्चों की बाजी में तो अभी दे सकता था काम, छः बार का पड़ के आनी थी तो इसने सातवीं दाया कर देनी थी, तो डर होता है ना आपको पता है फिर। माशाल्लाह जी। जी दोस्तों शौक करें ज़रा, ये सफेद करी वाले बच्चे हैं। माशाल्लाह जी, ये किन कबूतर में से बना हुआ है? लगाने वालों में से? हाँ, उनमें से। ये बड़ी आंख लाल कर गया, ये लाल आंख की मादी ला दी थी ना। अच्छा, कबूतर वही ननकाना साहब वाला, लेकिन कबूतर ही चेंज है इसमें। सही, तो सियान भी इंतहा की है। परवाज आप देख रहे हैं कितनी माशाल्लाह जी, परवाज आप सब दोस्तों को जिनको पता है उनको पता चल गया होगा कितनी परवाज है इस बच्चे में। ये देख रहे अच्छा, ये आप कितने कितने बजे तक बैठ रहा है? ये बैठ रहे हैं, अभी छोड़ रहे हैं, अभी शुरू नहीं हुए। जो शुरू हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं, जो उड़ रहे हैं। ये आपको, ये आपके सामने है, मिस्त्रियों की वजह से ये देखें क्रीच में आ चुके हुए हैं बच्चे। खा खा के ना दाना बाहर निकलते नहीं हैं, लेकिन ये दो तीन दिन हो गए बाहर निकाल रहे हैं। ये देख रहे हैं आपके सामने हैं, गंजे हुए हुए हैं। इन्होंने अभी क्या उड़ना है जब तक इनकी क्रीच नहीं पूरी होनी। सही, ये देखें। लेकिन इनकी बहन जो है वो बहुत ज्यादा उड़ी है, जो आपको पहले शो पहले शो है ना, हाँ वो बहुत ज्यादा उड़ी हुई है। अब मादी चेंज है? हाँ, अब मादी चेंज है। ये बच्चा वो है जो आपको बता रहा हूँ ना, सात गली का हो चुका हुआ था पिछले साल में। ये उसका भाई है। अच्छा, ये उसका भाई है, एक उसका भाई उधर ऊपर छोड़ा हुआ है। वो आज उड़ के आया है, आज पाँच सात दिन हो गए हैं वो उड़ रहा है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ये उसका भाई है, इसको भी इंशाल्लाह एक दो दिन में। अच्छा, ये अभी बाहर नहीं छोड़ा? नहीं, अभी बाहर नहीं छोड़ा, अभी देखें ना माशाल्लाह जी, पर देखें इसका। ठीक हो गया।
जी दोस्तों माशाल्लाह खूबसूरत बच्चा है ये मोतियों वाला से ही है। माशाल्लाह अच्छा पर बना हुआ जी दोस्तों शौक करें पर का ये भी मोतियों वाले में से ना। हाँ जी जी दोस्तों अरसलान भाई के माशाल्लाह जितने भी परिंदे देखें लाजवाब हैं और ज़्यादा इनके घर के हैं जी बिल्कुल। जी शौक करें भी माशाल्लाह बहुत ही आला पारे जी नकल तीन पार का बच्चा है ये मिस्त्रियों की वजह से इतने पार ज़्यादा हो गए हैं और बोला फाला पता पता नहीं तो जी माशाल्लाह जी दोस्तों शौक करें इसका इसमें भी टैडी पर नज़र आ रहा है जी दोस्तों ये भी पार देखें पार माशाल्लाह नायाब हैं जी जी। शुक्रिया चौधरी अब्दुल अहद भाई बहुत शुक्रिया। ये कबूतर था मेरा अल रफ़ीर। अच्छा ये उसमें से है माशाल्लाह जी। इसकी बहन ऊपर है ये भी घूमा है अभी दो तीन दिन हुए हैं भाई छोड़े हैं इनको। सही आज नहीं छोड़े आपको आपके सामने मिस्त्री लगे हुए हैं। जी बिल्कुल मिस्त्री लगे हुए हैं अभी छत नहीं तैयार हो रही है इनकी अभी सेटअप पूरा मुकम्मल नहीं है माशाल्लाह जी। शौक करें इसकी आँख का मज़ीद जब इफ्तिताह होगा तो इंशाल्लाह ताला तब तक कबूतर भी तैयार हो चुके होंगे उम्मीद है तब तक बाजियां भी आ चुकी होंगी। जी दोस्तों इसका भी शौक करें ये परिंदा भी अच्छा फिर है मेरे पास लेकिन छोड़ा नहीं है ही सही जैसे वो पहले कबूतर है ना वैसा नहीं फिरा पूरा मेरे पास है। नहीं क्या अभी नहीं सही फिर के इसको नहीं मार गई। हाँ जी ठीक हो गया सर जी दोस्तों शौक करें ये मेरा फेवरेट आंख है ये माशाल्लाह इसमें इतनी कवासी है
परवाज भी बेनथा होती है। ये ब्लड लाइन देखें, ये पाइप वाला कबूतर है। अच्छा, पाइप वाला कबूतर है आपका, इसको पाइप वाला बोलते हैं। कबूतर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन बाजी आपको बताया ना, बाजी जो लोग लो 11 वाली बाजी, उसमें ज़रा समर के कबूतर हो, बड़ी समझदारी से अकल से उड़ाना पड़ता है, उड़ाना पड़ता है। वैसे अगर टूर्नामेंट में हो तो जिसमें नया कबूतर डाल सकते हो, तो उसमें आपको पता होता है कि अगले दिन अगर बिल्कुल रसलान भाई, उसमें स्तादी, उसमें स्तादी और तरह की होती है, और जो 11 कबूतर होते हैं ना जिनमें कबूतर कम हो जाए जो डालते नहीं, उसमें स्तादी और होती है। बिल्कुल, उसमें मेन वजह होती है कबूतर पूरे करने, शाम को या 12 बजे के बाद मेन बात ये है कि कबूतर पूरे करने हैं। अगर आपकी 11 दिन की बाजी है उस चीज़ में कबूतर परवाज भी लेनी है और कबूतर भी पूरे करने, कबूतर भी पूरे करने हैं। अगर वो टूर्नामेंट है कि जिसमें कबूतर नए डालने हैं, उसमें आपको पता है कि लेने जितनी परवाज लेनी है, अगर ये कल को ना भी आएगा इसकी जगह एक इसके जगह और कबूतर डाल सकते हैं तो। लेकिन बाजी हैं जो उस वजह से इतनी लंबी परवाज इनसे नहीं ली गई, ना ही ली गई। जी दोस्तों, ये ना जी, ये और एक नियाब आँख आ गई, इसका भी शौक करें। ये कबूतर है बल्ब वाला। अच्छा, इसका नाम बल्ब वाला क्यों डाला हुआ है? इसका नाम बल्ब वाला इसलिए डाले है, ये परवाज में था, रेडियो हो चुका था बाजी के। अच्छा, वो लाइट बंद हो गई मगरब के बाद। ये हाजी साहब हैं और सारे जज्जी हैं, इन्होंने खुद बिठाया था मोबाइल की लाइट में। क्या बात है, मोबाइल की लाइट में इन्होंने इसको बिठाया था गाड़ी। जी दोस्तों, ये कबूतर फड़कों में देखें, मोबाइल की लाइट पे ये बटन वाला जो मोबाइल है उसकी लाइट में। टच अच्छा। की तो ज्यादा होती है ना। अच्छा, हाजी साहब हमारे सादे हैं, इनके अच्छा। पास मोबाइल भी जो है ना वो सादा है, तो आपको पता है सादे बटन वाला मोबाइल की लाइट भी कम होती है। उसमें इसको घर बिठाया और नीचे बिठाया था, वो तो ना होने के बराबर है बिल्कुल। जी माशाल्लाह जी, ये उस दिन हाजी साहब की मेहनत से घर बैठा था माशाल्लाह। ये तो होता है, जी दोस्तों, कलर वो है कि लोग पसंद नहीं करते इस कलर को इतना, मगर इसकी परवाज है कि शानदार, सियान भी बहुत ज्यादा है। ये बटनों वाले मोबाइल पे अरसान भाई बता रहे हैं कबूतर घर बैठता रहा, ये लाइट चली गई थी। आपको पता है पाकिस्तान में लाइट तो बंद होती है। जी बिल्कुल, ये भी घर का ही है। जी, ये भी उसका जो सिरे का भाई है, जो पिछली दफा साथ करी गया था ना साथ में, ये उसका भाई है। सही, इसके पार देख लें, इससे ज़्यादा उसके अच्छे पार हैं। जी दोस्तों, ये परपटाई में आया हुआ है, ये पंजे हैं। ठीक हो गया माशाल्लाह। जी ये भी दोस्तों शौक करें इस कबूतर का, ये भी लाल आंख में, ये भी हाजी साहब वाला, ये भी हाजी साहब वाला जी माशाल्लाह जी। अच्छा अरसलान भाई, हाजी साहब वाले कितने कबूतर हैं आपके पास? हाजी साहब वाले मेरे पास 5 कबूतर हैं। 5 कबूतर हैं, और पांचों की परवाज क्या है? पांचों की परवाज, 3 की जो परवाजें हैं वो तो पिछले टाइम की है, और 2 की परवाजें हैं वो 2 के पार की है। सही,
चल कर लेंदे यार नु काम कोई नहीं चलंदे हुन और चलंदे काम यार चलंदे आया कोई नहीं खैर है दोस्तों ने दसया है कि मिस्त्री लगे हुए ने सोना नहीं पता चला कि बाकी लगे हुए ने ਨਨੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਯਾਰ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਆਂਖ ਹੈ ਇਸਕੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰੇ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕੀ ਮੈਲੀ ਲਾਲ ਆਂਖ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਨਕਾ छत भी नहीं है अब पर भी नए होंगे फिर इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होंगे इससे भी ज्यादा बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला जी ठीक हो गया अरसलान भाई कबूतर आप काफी देख लिए हैं दोस्तों का तारफ करवा दें जरा अपने का जो साथ आपके शौक करते हैं ये सुभान है इधर ही होता है मदरसे में ही पढ़ता है माशाल्लाह अच्छा इसका नाम सुभान है ये आज आ गया मदरसे से और फाइल टाइम में इधर मेरे पास ही होता है ये हैदर है इधर आ ये हैदर है ये जी अरसलान भाई के जो दोस्त इनके साथ मुखलसना तौर पे तावन करते हैं छत पे अभी पाँच सात जो है वो गए हुए हैं काम पे गए हुए हैं कुछ है नहीं इधर आपको बताया कि वो दूसरी छत के मसला बन गया उधर तीन चार चले गए हैं इस वजह से बाकी ये हाई साहब हैं जिनकी मैं बात करता हूँ बार बार जी हाई साहब की हाल जी ठीक हो जी हाई साहब तुहाडियां तारीफां बड़ियां सुनियां ने अरसलान भाई को माशाल्लाह तुहाडे परिंदे भी काफ़ी देखे ने तो मज़ा आया तो जो परिंदे ने सारे अपने घर के बच्चे बनाए हुए जी या घर के बच्चे ने जोड़े भी आप ही लाए हुए ने जोड़े दो उस्ताद को ही लवाए ने अच्छा उस्ताद कड़े ने ताड़े उस्ताद जे ते बराल नहीं है कोई अच्छा हां तो इंशाल्लाह सलाम भाई ने ही उस्ताद हो अच्छा माशाल्लाह सही हो गया जी हां जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब यार मेरा दोस्त है आयो आयो अफजल है जी दोस्तों ये यंग टैलेंट टीम है जो थकते नहीं है फाल टाइम में इन्होंने इधर ही आना है और कहीं नहीं जाना है बिल्कुल अच्छी बात है जी खराबी नहीं होती कोई शौक हो तो उस तरह का हो कि कोई बंदा खराब ना हो ये मेरा दोस्त है अजीज मेरा भाई भी है ये रंग साज है ये सारा इसकी मेरे लिए ही है रंग अजीज भाई हैं जी ये तो हमसे पैसे भी नहीं देता रंग के फ्री में करता है जब भी इसको बुलाएं ये सब काम छोड़ के भाग आता है ये सभी मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह जी अभी पांच सात और भी हैं वो आए नहीं है आपको पता है काम वगैरह पे भी जाना होता है एक दो शिगिर्द है वो भी नहीं इधर है सब एक जैसे तो नहीं होते आपको पता फिर काम जी तो गुजारा ये फाल टाइम में इधर ही होते हैं ये बनाई सही है क्या सब दोस्त जी दोस्तों माशाल्लाह ये उस्ताद सोनी साहब का शौक था आपको दिखाया मुख्तसर अभी क्योंकि छत इनकी नई बन रही है इंशाल्लाह छत कंप्लीट होगी फिर आपको नेक्स्ट टाइम आके शो करवाएंगे कबूतरों का भी क्योंकि कबूतर भी पर पटाई में काफ़ी कबूतर जो नहीं दिखा सके और बच्चे इन्होंने छोड़े हुए हैं ठीक है वो भी अभी मिस्त्री लगे हुए इस वजह से बाहर नहीं निकाल रहे तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी दुआ में याद रखिएगा ओके जी अल्लाह हाफिज़।